नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कल हुए क्रिकेट मैच के रिजल्ट के बारे में। कल कौन सी टीम के बीच मैच खेला गया था, इस मैच का रिजल्ट क्या रहा, इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया, इस मैच के अंदर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। तो शुरू करते हैं। कल की मैच की डेट और वार थी 8 अक्टूबर 2017 रविवार। कल मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में। यह दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। यह मैच 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक खेला जाना था। टेस्ट मैच का टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। मैच का रिजल्ट ये रहा, साउथ अफ्रीका ने यह मैच एक पारी और 254 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कगिसो रबादा को दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड डीन एल्गर को दिया गया। अब हम आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के मैच के टोटल स्कोर के बारे में। पहले हम आपको बताते हैं, साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 573 रन बनाए 4 विकेट खोकर और 120 ओवर के अंदर। वहीं पर बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 147 रन बनाए 10 विकेट खोकर और 42.5 ओवर के अंदर। वहीं पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में खेलते हुए 172 रन बनाए 10 विकेट खोकर और 42.4 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश टीम के प्लेयर के बारे में। पहले हम आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन और विकेटकीपर के बारे में। साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन का नाम है फाफ डू प्लेसिस और विकेटकीपर का नाम है क्विंटन। अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश टीम के कैप्टन और विकेटकीपर के बारे में। बांग्लादेश टीम के कैप्टन का नाम है मुशफिकुर रहीम और विकेटकीपर का नाम है लिटोन दास। तो यह है हमारे कल के मैच का रिजल्ट। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।